हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग। मैं प्रशांत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप में से जितने भी हमारे मित्र उपस्थित हो चुके हैं, मुझे इस बात की पुष्टि कर दे क्या मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो ऑडियो है और जो मेरी विजुअलिटी है वो आप तक सही तरीके से पहुँच पा रही है या नहीं, है ना। आफ्टर दैट वी विल गो टू द आवर सेशन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं वो जल्दी से पहले बता देंगे कि हाँ सर, मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुंच पा रही है। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, मनीषा जी, कृष्णा जी, नेहा जी, इको इरा जी, अच्छा, बहुत अच्छा। अयान जी, बहुत बहुत नमस्कार मेरे भाई, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। और ये जो क्लास है आप सभी लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास अब मिक्स रूप में चलने लगी है और आज से जो सवाल है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट जो आप चाह रहे थे वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। अब बात आ जाती है कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें और जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशंस करना चाहिए, तो आइए हम उस पर पहले बात करेंगे और बेहतर से बेहतर चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। आपका कर्तव्य ये होगा कि सबसे पहले सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने के दौरान हम हो जाएंगे व्यस्त और आप हो जाएंगे व्यस्त, इसलिए पहले ही सारा काम जो है उसे निपटा लेना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग एकदम रेडी हैं, डन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, गुड़िया खातून जी आपका भी स्वागत है, आप सबसे पहले यहाँ उपस्थित थे, मैंने देखा भी था आपका कमेंट। ठीक है, तो चलते हैं पहले सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, है ना, और उम्मीद करेंगे कि सभी को सब कुछ जो है अच्छे तरीके से आ भी रहा होगा और आप अच्छे तरीके से मतलब बेहतर। धनतेरस की शुभकामनाएं मुझे दी जा रही है, देख रहे हो, बहुत सुंदर, धनतेरस की शुभकामनाएं आप सभी को भी। ठीक है, आइए पहले सवालों की ओर चलते हैं। पहला सवाल आपके समक्ष उपस्थित है, उम्मीद है कि आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसका जवाब भी देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड व्हाट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चंस जो प्रोटीन बने हुए होते हैं, है ना, प्रोटीन्स जो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जो बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। नाम कह रहा है आपके पास न्यूक्लिक है, है ना, न्यूक्लिक एसिड के रूप में, फैटी एसिड के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में या एसिटिक एसिड के रूप में, इनमें से किस नाम से इसे जाना जाता है। हालांकि जब हम प्रोटीन की बात कल भी कर रहे थे तो हमने आपको प्रोटीन के विषय में कई बातें आपको बताई थी कि प्रोटीन जो है वो एक प्रकार का हम पॉलीमर के श्रेणी में से कल भी रखे थे, है ना, इसलिए पॉलीमर रखे थे क्योंकि इस ये जो है वो कई प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, कई प्रकार के क्या अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हमने रखा था, यानी कि अमीनो एसिड जो होगा इसका मोनोमर होगा। क्या होगा अमीनो एसिड? अमीनो एसिड जो होगा इसका मोनोमर होगा, और इस आधार पर अगर हम बात कर लें तो इसका उत्तर सबको पता है कि सर इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है या अमीनो एसिड है या फैटी एसिड है, एसिटिक है, तो आप कहोगे सर ये अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, सीधी सी बात इसमें लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, आइए अगले सवालों की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, तो ये तो पहले प्रोटीन किस किस चीज से बना हुआ है उसका हमने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है कि आपके पास पीडीएफ जाती है। देखो, जैसे सभी जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यही बात तो हमने बताया है, और खास करके एक बात इसमें याद रखना आप लोग, ठीक है, एक बात याद रखना, खास करके इसमें पूछा जाता है कौन से बंध से जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, ये क्वेश्चन भी कहा बहुत बार पूछा गया था, पेप्टाइड्स जो बॉन्ड है या बंध है उससे ये जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा, प्रोटीन जो है हमारे शरीर के द्रव्यमान का लगभग 15% जो है ये बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। और तीसरी बुनियादी बातें हम करते हैं अमीनो एसिड के साथ क्या होता है, कार्बोजलिक अम्ल भी इसमें पाए जाते हैं, तो ये भी इसमें बुनियादी बातें थी जिसे आप सभी लोग जानते भी हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल ये रहा हमारा, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है, सोच के बताना है इसमें, बहुत आसान सा सिंपल सा सवाल है। आज बहुत सारे लोग छुट्टी पर होंगे इसलिए क्योंकि भाई धनतेरस है और कौन पढ़ता है, सब अपने अपने कामों में होगा, घर की सफाई करने में होगा, तो कोई बात नहीं है, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उतने लोग ही सही। ठीक है, चलिए
कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पर करता है, वेवलेंथ पर करता है, आवृत्ति पर करता है, प्रकाश की गति पर करता है, और एक या दो इनमें से होगा ये भी बताना है। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों पे, कोई दोराई नहीं है कि सर इसमें कंफ्यूजन पैदा होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कोई दोराई नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन आपको पैदा हो सकता है, लेकिन उम्मीद करना है कि भाई उसमें से समझने का प्रयास करना है कि क्या इस कंफ्यूजन को कैसे हम दूर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त इसके साथ अगर आप जाना चाहेंगे ना, तो आप बहुत सारे जो लोग होंगे वो एक तो वेवलेंथ के साथ जा रहे होंगे, दूसरा कह रहे होंगे सर दोनों के साथ जा रहे होंगे। गारंटी तौर पे मुझे जहां तक भरोसा है आप कहेंगे एक जो व्यक्ति है वेवलेंथ के साथ, दूसरा आप डी के साथ भी जा रहे होंगे, इसमें भी कोई दोराई नहीं है, गारंटी तौर पे मुझे पता है कि इसमें जा रहे होंगे। अब देखो पहला चीज हम जानते हैं कि प्रकाश का जो रंग होता है ये मुख्य रूप से जानते हो, बिल्कुल सही है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वो उसका रीजन है वेवलेंथ ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है वेवलेंथ ही होता है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ का मतलब होता है कि जो अलग अलग और जितने भी रंग होते हैं है ना, जितने भी रंग होते हैं उसके जो तरंग दैर्ध्य हैं वो अलग अलग होते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, और खास करके आप जानते हैं तरंग दैर्ध्य के बातों में को लेकर चले तो 400 nm से लेकर लगभग 700 जो है nm के बीच में सारे रंगों का तरंग दैर्ध्य पाया जाता है, ये एक एवरेज में आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि ये हमारा वायलेट होगा और ये हमारा लगभग हम रेड के एक अप्रोक्सीमेटली बात करें तो इसमें हम जानते हैं। लेकिन एक बात दूसरी भी याद रखें, जो तरंग दैर्ध्य होता है तरंग दैर्ध्य में और आवृत्ति में, ठीक है, तरंग दैर्ध्य की बात करें और आवृत्ति की बात करें है ना, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो इस दोनों में भी रिलेशन होता है, इस दोनों में भी रिलेशन होता है, और ये रिलेशन क्या होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इन दोनों में भी रिलेशन हमें देखने को मिलता है, और कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा कम होगा, यानी कि इसका भी संबंध इससे है ना, इसका भी संबंध इससे है। जब याद रखें ऐसे सवाल में अगर एक और दो दोनों ऑप्शंस दिया रहे, मान चलो कि अगर ऐसे ही दिया रहता ठीक है, और इसमें एक दो ना दिया रहता कुछ और डाल देता इसमें है ना, तब हम केवल और केवल तरंग दैर्ध्य डाल देते, लेकिन जब ऐसे सवाल आ जाए कि आवृत्ति को भी जोड़ दिया है और आंसर में बोथ 1 और 2 दिया है तो एक संबंध इसके साथ भी ये बनाना चाह रहा है, जो क्वेश्चंस पूछने चाह रहे हैं इसको भी ध्यान रखना है कि इसके साथ भी बनाना चाह रहा है, इस आधार पे हम इसको आंसर लेके चलेंगे, इसमें हम इसके साथ आंसर लेके चलेंगे, ठीक है, तो डी जो होगा इसमें हम लोग लेके चलेंगे, आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे डी बनेगा, ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी था, बस लैंग्वेज जो था इसका पूछने का वो थोड़ा सा ऑप्शंस में पेचीदा कर दिया था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले सवाल, ठीक है, आइए अगले सवाल। तो ये तो पूरा मैंने इसका डिस्क्राइब कर दिया था कि किसका क्या होगा है ना, वो पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके समक्ष, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, मिक्स क्वेश्चन है तो आसानी से इसे बना सकते हैं। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल सा प्रश्न है कि डायरेक्शन ऑफ बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो इनमें पूछा गया कि बल के गुणनफल के द्वारा क्या बोला भाई, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल को, कहने का मतलब आप सीधा देखो एक फॉर्मूला वाइज है और इस फॉर्मूला को देखते ही इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। चलो निर्यंका, अभिषेक, रागनी, मिश्नेहा, कुमार, सुजीत जी, अयान जी, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लेना, हालांकि सभी लोग व्यस्त होंगे, मुझे भी पता है कि दीपावली का समय है तो व्यस्तता तो भाई मुमकिन है, होना ही होना चाहिए। देखो इसमें है क्या, इसने सीधा फॉर्मूला पूछा है, क्या बोला, बल की दिशा में विस्थापन के साथ, यानी कि विस्थापन के साथ फोर्स बोला और डिस्प्लेसमेंट बोला, ठीक है डायरेक्शन है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, सबको पता है कि सर ये जो फॉर्मूला होता है ना ये वर्क का होता है, किसका होता है वर्क का होता है, और वर्क यहाँ पे ऑप्शंस में तीसरे नंबर पे है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। मोमेंटम का क्या होता है, सर पी बराबर हम जानते हैं एम इंटू भी होता है, तो ये तो आसान ही था, क्लियर हो गया, ठीक है। यहीं पर हम इंपल्स की बात करते, अगर इंपल्स होता तो कहते सर इसमें फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या होता है टाइम ड्यूरेशन होता है, याद रखना, ठीक है, फोर्स गुने समय अंतराल बोलते हैं जो, जिसको हम इंपल्स बोलते हैं, आपको कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसको भी ध्यान रखना है। पावर की बात करें तो पावर हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, इजी सा है प्रश्न। चलिए इसमें मैं कुछ पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या जवाब देना आप लोग चाहेंगे,
चलिए बताइएगा सीएसके जी, कृष्णा जी, देवा जी, अगर मैं इससे सवाल पूछूं तो क्या इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे? ये तो आंसर ठीक है, आपने तीसरा नंबर सबने कहा इसका आंसर होगा सर, तो हमने कहा कि हाँ भाई इसका आंसर तीसरा बिल्कुल सही है, कि ये जो था क्वेश्चन इसका वर्क का बिल्कुल सही था। लेकिन क्वेश्चन अब मेरा जो है उसको सुनिए, इसमें इसमें आपसे प्रश्न ये पूछ दे है ना कि इसमें से कौन कौन ऐसा है जो स्केलर क्वांटिटी है और कौन कौन सा ऐसा है जो वेक्टर क्वांटिटी है, चारों का आपको क्या करना है, क्वांटिटी बताना है ना, कि स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन सा है और वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सा है, इसे अब आपको बताना है। बताइए कि इसमें से कौन सा होगा, ठीक है, जल्दी बताइए, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस करवाना मेरी थोड़ी सी रहती है कि भाई आपको बताते चलें और आगे बढ़ते चलें। चलिए जल्दी से बताइए तो इसमें कौन स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। जब आप देखें इसको तो मोमेंटम है, संवेग है, इंपल्स है, वर्क है, पावर है, आपको बताना है कि कौन कौन सा होगा, ठीक है, जल्दी बताइए। पावर सदिश है, यही तो गलती हम चाहते थे कि आप गलती करें, याद रखें पहले जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, चाहे वर्क हो जाए, ध्यान रखना वर्क हो जाए, चाहे आपकी पावर हो जाए, ठीक है, चाहे आपकी एनर्जी हो जाए, यानी कि वर्क, पावर और एनर्जी, ये तीनों के तीनों जब भी आ जाए, ये तीनों के तीनों याद रखना स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वहीं पर संवेग जो है ये आपके वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखना है ना। गुड मॉर्निंग रवि भाई, बहुत अच्छा। तो ये सब जो फैक्ट है, अच्छा आवेग क्या होगा, इंपल्स बता दो, सेम है, क्योंकि संवेग और आवेग दोनों का सेम ही, बस उल्टा और अपोजिट की बात, एक वेक्टर बाकी सब स्केलर। अच्छा पक्का, दो तीन चार हमें, अच्छा ये बताना इंपल्स क्या होगा, संवेग है या स्केलर है या वेक्टर है, कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। तब तक मैं दूसरे प्रश्नों पर चलता हूं, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो चुका होगा, तो आइए दूसरे सवालों की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल ये रहा, ये तो इसका मैंने डिटेल्स इसमें डाल दिया है, जो आप लोग पढ़ोगे आपके पास पीडीएफ रेगुलर जा ही रहा है, तो आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। क्वेश्चन फिर थोड़ा सा हल्का घुमाया हुआ है, लेकिन उम्मीद है आप जवाब देंगे। क्वेश्चन कहता है विच विटामिन बिहेव्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, किसके रूप में बोल रहा है कि इसमें से कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बिहेव कर रहा है, ऐसा विटामिन कौन है, विटामिन जो है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रति उपचायक जिसे कहा जाता है कौन सा होगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट है क्या बताइए, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है, बताइए। पहले तो आंसर आपका सही है, जितने भी लोगों ने बताया कि सर विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है, जिसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ये सबको पता होगा कि सर जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ मिनरल्स की मात्रा जो है मिली हुई होती है। अब कौन कौन से मिनरल्स मिली होती है इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। आइए जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें आपको आइए एंटीऑक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो जब एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाती है तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो विटामिन जो है सी के गुणों के लिए जाना जाता है, और ये कोशिकीय संरचनाओं को जो मुक्त मूलक हानिकारक प्रभाव से हमारे शरीर में क्या होते हैं ऑक्सीजन की प्रक्रिया, और ये यही जो ऑक्सीडेंट है वो हमारे बॉडी का याद रखना विनाश करते हैं, और धीरे धीरे हमारी आयु में जो कमी होती है यही होती है, इसकी मात्रा को कम करना, इसलिए कहा जाता है फल वगैरह खाते रहिए, बुढ़ापन जो होगा बहुत कम होगा, आप धीरे धीरे बूढ़ा होंगे जैसे हमारे तरह, है ना, मैं बूढ़ा नहीं लगूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, आपकी सेल में जो ऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होती है जो आपकी आयु को क्या करती है धीरे धीरे कम करती है, तो याद रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है इसका प्रभाव को कम करती है। एंटीऑक्सीडेंट कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और उनका उदासीकरण करके मुक्त मूलकों से नुकसान को क्या करते हैं रोकते हैं। अब सवाल आ जाता है इनमें अगर आप देखोगे और भी चीजें हैं इनमें आपको दो तीन चीज देखने को मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन चाहे ए है सी है और ई और खनिज तांबा जस्ता सेलेनियम पाए जाते हैं, जो ऑक्सीडेंट होती है ना उसमें ए सी और ई और साथ ही साथ खनिज जस्ता और जो है खास करके सेलेनियम जो है पाए जाते हैं। शरीर की कोशिकाओं से मुक्त कणों को ये हटाते हैं और ऑक्सीकरण होने वाले को नुकसान को क्या करते हैं रोकते हैं या उसको कम करने की बात जो है की जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है,
चलो, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना, सब्जी साग ये सब जो है ना एकदम अच्छे से खाते रहना और ज्यादातर इस पर ध्यान देना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर इज कॉल्ड व्हाट। बहुत आसान सा सवाल है, बस घूमना नहीं है इन सवालों में, ठीक है, क्वेश्चन में घूमना नहीं है, ये सवाल जो पूछा घूमना नहीं है। सफेद प्रकाश के इसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहा जाता है, जो सफेद प्रकाश है अगर वो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बाबू, ये बताइए। चलो भाई शुभम सिंह राजपूत जी, बताइए जवाब क्या होगा, ठीक है, घटक रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे, सफेद प्रकाश के इसके घटक रंगों, अब हम सिंपल सी बात है, जब हम जानते हैं सर सफेद प्रकाश जो है अपने घटक रंगों में एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये सात रंगों में विभक्त हो जाती है और विभक्त होने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। ये आसान सा सवाल था जिसे तो सबने बना लिया होगा, इसमें कोई दो राय किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि आज लग रहा है एकदम बच्चा वाला सर सवाल है, किसी तरह बना देंगे, कोई बात नहीं, मिक्सिंग क्वेश्चन है, इसे बनाना भी चाहिए, ऐसा नहीं सवाल को नहीं बनाएंगे, हम रोज रोज कितना आप टफ करेंगे, है ना। ये पूरा मैंने डिटेल्स भी डाल दिया है, जो आपको जिसे नहीं आता होगा वो एक बार पढ़ लेगा इसे। अगला सवाल है, फ्लूइड्स ऑफर रेसिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट। कहने का मतलब है प्रवाही पदार्थ, प्रवाही मतलब जो तरल पदार्थ है जो प्रवाह करता है, जो जिसका फ्लो हो सकता है, फ्लो किसका किसका हो सकता है, तो फ्लो कहते हैं, फ्लो जो होगा वो गैस का हो सकता है और फ्लो जो है वो तरल का हो सकता है, गैस और तरल दोनों का फ्लो हो सकता है, मतलब बहाव का दोनों में होता है ना बाबू। ठीक है सोनिका जी, गुड मॉर्निंग, आइए क्या है क्वेश्चन में, फ्लूइड्स ऑफर रेसिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट। हम क्या कहते हैं, चलो रवि, नेहा, रेखा, शशिमाला यादव जी, रागनी जी, चलो भाई बहुत अच्छा गुड़िया, तो क्या कहेंगे इसे आंसर में, बस सिंपल सा अगर बेस से देखें तो इसे क्या कहते हैं, जिसमें प्रवाह होता है और प्रवाह होने की बात कर रहा है और बोल रहा है कि रेसिस्ट करता है मोशन का, क्या कहता है बाबू, रेसिस्ट करता है मोशन का, जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना, किसका विरोध, मोशन का, गति का, जिसे हम विरोध करते हैं, गति के विरोध को उत्प्लावन कहा जाता है, ऐसे कभी नहीं है, जबकि आप वियोंसी का मतलब हमने आपको क्या समझाया था, किसी लिक्विड्स में नीचे से ऊपर की तरफ अगर बल लग रहा हो, ठीक है, नीचे से कहां ऊपर की तरफ बल लग रहा हो, वो वियोंसी फोर्स होता है, उसको उत्प्लावकता कहते हैं, तो ये वो इसकी बात नहीं कर रहा है, है ना, ये उसकी बात नहीं करता, ये हमेशा बॉटम टू टॉप की ओर लगता है, लिक्विड के अंदर से इंटरनल में लगता है, तो ये तो काम ही खत्म हो गया। दूसरा जो प्रश्न था इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी, भाई गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूटी से इसको मतलब नहीं है, इसे श्रयांता कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो लिक्विड चलती है, ठीक है, और उसमें जो फ्रिक्शन होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, उसे विस्कोसिटी कहा जाता है, याद रखना, जैसे जिसमें ज्यादा घनत्व होगा उसमें विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा, जैसे एक पानी है और हम शहद लेते हैं तो दोनों में विस्कोसिटी की क्रिया कहां पर ज्यादातर होगी, तो पानी का घनत्व देख लीजिए, शहद का घनत्व देख लीजिए, तो घनत्व शहद जल्दी प्रवाह नहीं करेगा, किसी पाइप से होकर आप पानी को गुजारिए और शहद को गुजारिए तो शहद जो होगा वो आपका धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, रीजन क्या है कि उसके प्रवाह में जो मोशन है उसमें जो डेंसिटी है वो क्या कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, उसका रेसिस्ट कर रहा है, जिस कारण से उसके मोशन में उसका विरोध होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं और उसी गुण को हम श्रयांता कहते हैं, और श्रयांता आपके दोनों में होता है, तरल में और गैस में, ठोस में जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, लिक्विड में और गैस में जो वही गुण होता है उसे हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चले आगे, तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा, आंसर मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, ये मैंने डिटेल्स डाल दिया है कि किसका क्या होगा, सारा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है, जब आप फ्री हो तो इसे आप एक बार जरूर पढ़ लें। अब देखो आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का डीलिंग जो है आप आराम से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से ऐसा कौन है जो आपके वेक्टर क्वांटिटी की बात करता है। ऑप्शन है आपके पास, वर्क है, टाइम है, वेट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनमें से ऐसा कौन है। सवाल आप देखोगे और अभी ही मैंने बात किया था, जो सदिश है और अदिश है ये तो क्लियर हो चुका होगा और सबने आंसर जो है इसमें दे भी दिया होगा कि सर इसमें सदिश की बात जब भी करता है तो आप देखो इसमें, और मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन में आप सभी लोग आंसर दोगे, लेकिन सही दोगे, ठीक है, सही दोगे। अब लेकिन अभी तक अगर हम देखें किस किस का आंसर है, निरंका, रागनी, देवा, ठीक है, गोल्डी, रवि,
सच्चाई पूछो ना। वीडियो रुक रहा है ऐसा नहीं है बाबू, मेरे सामने भी डेस्कटॉप चल रहे हैं, मेरे सामने भी लैपटॉप चल रहा है, आपका नेट होगा कमजोर इसलिए रुक रहा होगा, मेरा नहीं रुक रहा है, ठीक है, आप एक बार देख ले इसको, क्लियर है। अब चले हम लोग आगे। अब मैं बताता हूं कि इसमें से जितने भी डी आंसर दिए हो सब गलत हो, किसी का आंसर सही नहीं है। आपको लग रहा होगा सर आसान से क्वेश्चन है, तो लो भैया पहला आसान से क्वेश्चन में ही फंसता है, टफ क्वेश्चन में काम खत्म है, काम क्या होगा खत्म हो गया। तो डी वाले उत्तर तुम्हारा सबका पहले चला गया गलत, 99% बच्चों का उत्तर जो था वो डी था, मैंने देखा अभी कमेंट में, है ना, तो डी वाला नहीं होगा। विद्युत विभव की बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बोला सदिश राशि है मेरे भाई, वर्क जो है वो अदिश है, टाइम जो है अदिश है, वेट जो होता है वो सदिश राशि होता है, वेट कैसा होता है सदिश होता है, क्यों, क्योंकि वेट जो होता है उसे हम कहते हैं सर, वेट जो होता है मास इनटू ग्रेविटी होता है, मास इनटू क्या होता है ग्रेविटी होता है, और हमेशा वेट एक डायरेक्शन में, भाई तुम यहां पर खड़ा हो है ना, और आप यहां पे खड़ा हो ठीक है, और आपने सर पे कोई वस्तु को रख रहे हो आप अपने सर पर, तो वेट हमेशा कहां लगेगा, डायरेक्शन हमेशा इसकी नीचे ही होगी, या आपका भी वजन कहां काम कर रहा होगा, एक निश्चित दिशा में जो कि हमेशा नीचे ही होगा, जो ग्रेविटी के सरफेस की ओर खिंचाव बल है उसी को तो कहते हैं, और उसको आपने गलती कर दिया, बहुत आसान से क्वेश्चनों में आपने यहां पर लेकर चले गए आंसर को, तो जो कि आपकी गलती हो गई। मैं हमेशा कहता हूं कि इजी क्वेश्चनों के साथ खेला करिए, ठीक है, हमेशा जो है ना पेस बॉल पे छक्का लग जाता है, कभी कभी स्लो बॉल ही आउट कर जाती है, और शायद आप ऐसा ना करें कि स्लो बॉल पे आउट हो जाए और वर्ल्ड कप आपके सामने पड़ा हुआ हो, तो फिर इसमें आपकी दिक्कत ये होगी, शर्मनाक हार होगी और उपहास तो आपका होना ही होना है, तो ऐसे चीजों से बचिए और इंसानियत तौर पर आप जो पढ़ते हैं उस पर आधार पर जवाब दीजिए। खेला हो गया, बहुत अच्छा, तो आंसर के साथ खेलिए, नहीं तो आपके साथ आंसर खेल लेगी। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये तो मैंने इसका आंसर था, अगले सवाल की ओर चलते हैं, पढ़िएगा बढ़िया से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, ऐसे नहीं बस आगे छोड़ नहीं देना है। चलो भाई सुधांशु गुड मॉर्निंग बाबू, चलो अगले सवाल देना क्वेश्चन का, और क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब भी आप अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन मुझे जब लगता है ना कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तब आप गलती कर जाते हैं, और मुझे लगता है जिसमें आप नहीं दे सकते हैं वहां आप सही कर जाते हैं, ना मेरे उम्मीद पर आप खड़े उतर रहे हैं ना आप अपने उम्मीद पर खड़े उतर रहे हैं। मेरे उम्मीद पर खड़ा उतरने का मतलब होता है कि हम चाहते हैं टफ क्वेश्चन ना बने वो आप बना देते हैं, और आप चाहते हैं कि भाई टफ क्वेश्चन हमसे गलती होगा लेकिन वो आप कर जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इजी क्वेश्चन तो हम डील कर ही लेंगे लेकिन आप इजी में ही फंस जाते हैं, इसलिए आप इजी क्वेश्चन ही था और इसको बना के दिखाइए, ये आसान है इसे आप बना देंगे, इसे पे भरोसा है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एसोसिएटेड विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भैया सबसे पहले ओम का नियम किससे था, ओम का नियम कहते हैं सर भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, ये कहानी खत्म है, या भी इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर होता है, तो ये हमारा भी जो है ये हीट कहां से आ गया, यानी ये आपका क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट और ये रेसिस्टेंस के बीच का संबंध बताता है। फैराडे साहब की बात करें तो यह विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करता है, यानी कि प्लस और माइनस जो आयन में से टूटते हैं, जो विद्युत का क्या होता है अपघटन होता है, या चुंबक से संबंधित कुछ होगा तो वहां पर ये काम करेंगे। न्यूटन साहब का नियम, लेकिन क्या नियम है ये नहीं बताया, लेकिन न्यूटन ने बहुत सारे नियम दिए हैं, लेकिन हीट से संबंधित में न्यूटन ने अगर हीट से ही देखे तो हीट से संबंधित न्यूटन ने शीतलन का नियम दिया था, ठीक है, क्या कूलिंग इफेक्ट की बात करता है, शीतलन का नियम जो है वो इन्होंने दिया था, लेकिन आपको ये हीटिंग इफेक्ट पे बोला क्यों सा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, भाई उष्मीय प्रभाव जो होगा वो एच का था, क्या था आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जो है ये किसने दिया था, तो ये देने वाले जो फॉर्मूला के साथ है वो जूल साहब है, और सबका संबंध इन्होंने बताया था, ठीक है, तो सबके साथ आपको देखना भी है H बराबर हीटिंग इफेक्ट। अब देखो हीट कब ज्यादा होगा, जितना देर तक करंट का स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना वस्तु में हीटिंग होगी, और जितना टाइम तक आप छोड़ोगे उतना वस्तु में क्या होगा हीटिंग होगा, तो ये हीटिंग इफेक्ट की बात करता है, तो आंसर क्या होगा जूल के नियम का, और ये जूल के नियम का फॉर्मूला भी कभी पूछे तो ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये सवाल आपका बन गया होगा, उम्मीद है कि गलती आप नहीं किए होंगे। अगला सवाल ये तो खत्म था, दूसरा सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बनाइएगा।
When a ball thrown upward, यानी upward की बात कर रहा है, यानी कि जब किसी बॉल को upward, यानी कि सोचो कि भैया ये जमीन पर था ये बॉल, ठीक है, ये क्या है, जमीन है, सरफेस है, और इसे थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर में इसे फेंक दिया गया, ठीक है। सोचो कि भाई मैक्सवेल ने छक्का लगाया है और 200 रनों की पारी इसने खेल दी है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि देन व्हाट पोजीशन विल इट्स पोटेंशियल एनर्जी बी मैक्सिमम, इनमें से किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी जब इसे फेंक दिया गया है ऊपर की ओर, ठीक है। पोजीशन कहता है फेंकते समय, जब फेंका जा रहा है यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर, जब फेंक जा रहा है वहां पर। दूसरा कह रहा है कि भाई जमीन पर इसका होगा, यानी कि फेंकने समय जब जमीन पे होगा वो होगा। कह रहा है कि जमीन पर गिरने से ठीक पहले, मतलब ये जब रिटर्निंग नीचे की ओर गिर रहा है तो जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो इस कंडीशन में होगा। और कहता है भाई सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा, सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा, मतलब एट टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा। लेकिन बॉल क्या है, मोशन की बात कर रहा है, तो आपको बताना है कि कहां पर आंसर होगा। रूपा जी पेड बैच जो है आपका अभी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया है, अब आपका बायो बचा है, 2-4-5 दिन के बाद वो पेड बैच में भी बायोलॉजी स्टार्ट होगी, तो सबको समेट के आपको पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन ना लें। इसलिए अभी मेरी क्लास अभी स्टॉप की गई है, ठीक है, बायोलॉजी की क्लास आपकी अब स्टार्ट होगी, इसलिए कुछ दिनों का वहां पर वेट किया गया है। तो घबराई नहीं, मैं क्लास लूंगा उसमें, है ना। अब सवाल क्या है कि देखो, जब हम यहां से फेंक रहे होते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। और जहां ऊपर आता है तो गेंद रिटर्निंग जब आएगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रिटर्निंग के समय काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो, और जब पोटेंशियल एनर्जी होगा यहां पर, जब काइनेटिक जीरो होगा तो ये क्या होगा, कहेंगे ये हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, यानी उच्चतम बिंदु पर जहां गेंद सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया, अब इसको रिटर्न होना है, मतलब ये रुक जाएगा, जब रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कहेंगे कि सर्वाधिक होगा, जब गेंद को फेंक रहे हैं तो उच्चतम बिंदु पर जहां रुका है वहां पर स्थितिज ऊर्जा उसका सर्वाधिक होगा, और फिर जाके धीरे धीरे वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में वो बदल रहा होगा। तो आंसर हम डी के साथ आगे बढ़ेंगे, एट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द बॉल, ठीक है, क्लियर हो चुका है, खत्म है यहां पर। कि ढेर सारी बधाइयां एंड आपको एंड ऑल को, ससीमाला जी हमको ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं धनतेरस पे, कोई आईफोन भेज दो भाई, ढेर सारी बधाइयां यही हो जाता है ना, मुंह से बधाइयां सब खाली दे रहा है, बताओ। देखो धनतेरस था, है ना, तो हमने धनतेरस में ये सारी चीजें ले ली हैं, एक मोटी रकम लगा के ले ली है कि चलो भाई धनतेरस मेरे लिए यही है, मेरा धन तो यही है, है ना, तो यही मेरा धन है, तो इस धन को, और आपका भी धन यही है, तो मेरा धन ये पेन है, तो मैंने पेन खरीद ली, है ना, तो बस जिसका जिसको जरूरत है वो हमारा धन होता है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज इज फ्रॉम, अब सीधा सा बोला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया की बात कहा जा रहा है, बताइए किससे होगा। अब इसका जवाब आप ही लोग बताएंगे, सब कंफ्यूज होगा, सर वाटर से होगा, किससे होगा। अब हमको ये आंसर नहीं आता है, मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन में है सभी लोग, तो मैं कंफ्यूजन में ही छोड़ना चाहता हूं, कम से कम एक बार तो इसको पढ़िएगा ना, ठीक है, एक बार तो पढ़िएगा ना। चलिए अब देखो ग्लूकोज की बात करते हैं, होता क्या है, कहते हैं सर CO2 होता है, दूसरा इसमें H2O आता है, कहेंगे ठीक है सर, और क्या होता है, प्रकाश होती है, फोटोसिंथेसिस में लाइट होती है, इसके बाद ये निर्माण करती है, यानी कि ये रिएक्शन क्या बनाता है, बनाता है सर C6H12O6 प्लस में क्या O2, और प्लस में क्या जो एनर्जी है उसे रिलीज करती है, ये बात सही है। अब इसको बना दीजिए अच्छे तरीके से, इसमें से पूछा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसमें से किस में से आता है, H2O में से या CO2 में से, बस इतनी सी कहानी है और इसको आपको बताना है। हो चुका होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो इसका जवाब आपको देना है, और क्या होगा जवाब आप देख लीजिएगा, इसका जवाब जो है, क्योंकि भाई इतने आसानी से कर देंगे तो दिक्कत है। आइए अगले सवाल की ओर। आप क्वेश्चन कहता है द कैमल हम्प्स इन अ स्टोर ऑफ व्हाट, कैमल हम्प्स जानते हैं, यानी कि जो अगर कोई ऊंट है ना, ये ऊंट है तो ऊंट का ये हम्प्स होता है ना, ये ऊंट गर्दन ले चलो भाई, ये ऊंट है, ठीक है भाई, चलो हम ये ऊंट बना दे रहे हैं,
ये कैमल का जो हम्प्स है, ये जो आप कहते हो कूबर जिसे, या इसी को हम हम्प्स बोलते हैं, हम्प, ठीक है। ये जो कैमल का हम्प होता है इसमें क्या जमा होता है? कहोगे सर पानी होता है, बचपन से तो यही पढ़े, है ना, पानी होता है, फैट होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है। क्या जमा करता है भाई ऊंट उसमें? पानी खूब पी लेता है सर, महीना महीना इसको जरूरत नहीं होता है, तो क्या हम कहेंगे वही होता है क्या कि कुछ और होता है? ए बोल दो, पानी होता है, बचपन से पढ़े हो ना कि सर ऊंट जो है ना पानी रखता है इसलिए। लेकिन ये होता क्या है जानते हो? क्या होता है? फैट्स, वसा, स्टार्च, प्रोटीन, पानी, क्या होगा? ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। अब इसका आंसर सीधा कहोगे कि सर फैट्स होता है, क्या रखता है? ये वसा रहता है, और इसी से तोड़ तोड़ के वो अपनी एनर्जी को प्राप्त करता रहता है। क्या होता है? एनर्जी को प्राप्त करता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये तो हो चुका था, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये सवाल देखो और इसका जवाब। अच्छा चलो थोड़ा सा मैं इसे देख भी लो, तो इसमें ना थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, नीचे कुछ ऑप्शंस कट गए हैं, है ना, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि भाई देखो इसमें कहता है किसी वस्तु को अवतल दर्पण, ठीक है, के सामने कहां रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो, मतलब बराबर होना चाहिए, हम कहां रखेंगे? तो आपने देखा है ना कि फोकस पर रखेंगे, या वक्रता जो केंद्र है और फोकस के बीच में रखेंगे, है ना, या उससे आगे पीछे रखेंगे। देख लेता हूं इसके ऑप्शंस में कुछ है दिया हुआ या नहीं दिया हुआ है, है ना, ऑप्शंस वाले में मैं देख लेता हूं। हाँ, इसमें देखो आंसर के साथ ही आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूं इसमें, अगर आंसर के साथ आ गया है तो। अगर बराबर देखना है, अगर बराबर देखना है तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना चाहिए, यानी कि अवतल दर्पण की अगर बात कर दे आपको, किसकी बात कर दे, अवतल दर्पण की बात कर दे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप कहते हो सी, यानी वक्रता केंद्र पर जब इसे रखते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट का ऑप्शन था डी, इसमें वो होगा आंसर जो कि कट गया था उसमें, इसलिए इसको तो मैं कैंसिल ही मान के चलता हूं कि भाई इसे कैंसिल मान लिया जाए। अगले सवालों की ओर चलते हैं। इसमें बताइएगा, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल आपसे पूछा गया, कंपोजिशन ऑफ व्हाइट विट्रोल जो होगा उनमें से कौन सा एलिमेंट जो है उसमें पाया जाता है। व्हाइट विट्रोल जिसे आप कहते हैं सफेद विट्रोल कहते हैं, बताइए इसमें क्या होगा। ऑप्शन है आयरन, जिंक, ठीक है, क्या है, आयरन है, जिंक है, सोडियम है और एल्युमिनियम है। एक्चुअली माफ करना, आपका कमेंट मेरे से भी थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, तो ज्यादातर उसे हम नहीं देख पाते हैं। रीजन क्या है कि दूरी पर है, लेकिन आपका जो आंसर है वो मेरे तक, कोशिश करते हैं या नीचे देखूं तो एक आध बार आ जा रहा है, सब भी कह रहे हैं ठीक है। व्हाइट विट्रोल, व्हाइट विट्रोल देखो कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें दो तीन चीजें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या क्या चीजें पढ़ा होगा, जैसे कि हम बोलते हैं हरा कशिश, नाम याद होगा, हरा कशिश, सफेद कशिश, ठीक है, सफेद कशिश, ठीक है, नीला थोथा कहते हो, है ना, नीला कशिश। तो आपको सफेद विट्रोल जो है उसमें होगा क्या, कहेंगे सर जिंक की मात्रा होगी, बस इसमें कुछ था थोड़ी, हम क्या कहते हैं ZnSO4 जो होता है गुरुदेव, उसी को तो हम कहते हैं, बस यहाँ पर हमें उठा के कर रख देना था, तो इसमें किसकी मात्रा होगी, कहेंगे जिंक की मात्रा होगी, जो कि आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता था और आपने कर भी लिया होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसका तो आंसर हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, सोडियम, अच्छा, Who among the following is known as father of plant pathogen pathology? देखो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये अच्छा सा सवाल है, यानी में से father of plant pathology यानी पादप रोग विज्ञान के जनक कह दो या पिता कह दो, किसे कहा जाता है इनमें से, पादप रोग जनक या हम पिता कह दे तो इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास एंटोनी वैन लिवेनहॉक को, दूसरा है एंटोनी डी वेरी को, तीसरा है लुई पाश्चर को और चौथा है एरिस्टोटल को। यानी कि उत्तर बहुत अच्छे तरीके से देखो और पादप रोग विज्ञान के जनक की बात किया जा रहा है, जो कि ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा, क्या बात है।
सभी का उत्तर यहां आना चाहिए भाई। देखो सबसे पहले लीवेनहॉक साहब तो होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये बैक्टीरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया की खोज करना जो है वो इनके अंतर्गत आ रहा है, तो ये काम खत्म है। लुई पाश्चर बिल्कुल सही है, लेकिन ये पेंसिलिन वगैरह के लिए है, है ना। सूक्ष्मदर्शी या पेंसिलिन की जब बात करते हो तो ये पेंसिलिन से एंटीबायोटिक वगैरह जो है उसका निर्माण किए थे, तो ये उनको। या दूध वाली जो कहानी है ना, जो पौष्टिकरण की क्रिया है, वो लुई पाश्चर की बात है। अरस्तु साहब बिल्कुल हैं जुड़े हुए, लेकिन अरस्तु को पादप रोग विज्ञान का पिता नहीं बल्कि जंतु विज्ञान का पिता और जीव विज्ञान का पिता के रूप में जाना जाता है। और आपको इसमें पादप रोग कहा था, इसमें एंटोन डी बेरी होंगे। क्या होंगे? बेरी साहब को कहा जाता है पादप। देखो कभी कभी एलिमिनेशन मैथड लगा लिया करो कि क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। एंटोन डी बेरी जो होंगे इसके पिता कहे जाते हैं। बाकी आप सबके विषय में तो जान ही रहे थे, तो ऐसे ऐसे कभी भी सवाल आ जाए ना तो उसका थोड़ा बहुत कभी देख लिया करो कि क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। इस क्वेश्चन का आसानी से उत्तर दिया जाना चाहिए, उम्मीद है कि आप लोग देंगे भी। डीडीटी रेफर्स टू, हालांकि आप जानते हैं डीडीटी का जो टीका है ना, डीडीटी का टीका जो है वो किस रोग के लिए दिया जाता है, तो आप जानते हैं सर डिप्थीरिया वगैरह जो रोग है उसमें दिया जाता है ना। तो अब सवाल है कि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है, केवल सिंपल सा बोला क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होगा, या डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन होगा, है ना। आप देखें इसमें, या डाइक्लोरो डेफेनिल डाइक्लोरो इथेन, या डिफ्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन होगा, क्या होगा इसके, ये सवाल को आप देखें। फेनिल है, फिनाइल है, ट्राइक्लोरो है, बस इसमें छोटा सा। अच्छा बीरू भाई ठीक है, जाइए अभी खेती का भी समय तो आ ही गया है, सच्ची बात है। आप अभी सरसों वगैरह बो रहे होंगे, गेहूं बो रहे होंगे, है ना, हमारा भी लग रहा है, आलू भी बो रहे होंगे। चलिए तो क्या उत्तर होना चाहिए, जब हमने कहा डीडीटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो क्या होना चाहिए। देखो इसमें सवाल है ही क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और इसका जवाब भी आपको आसानी से हम कह सकते हैं कि सर इसमें पहला जो ऑप्शन है ना वही इसका जवाब होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला ऑप्शन, सी के तरफ तो जाना ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही इसका आंसर बन जाएगा। 100% क्या 100% सी है। डिफ्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, एक बार देख लेना सब लोग बढ़िया से और अच्छे से जवाब देने का कोशिश किया करो, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और अगले सवाल का जवाब जो है अब आपको देना है, क्या है। फूल गोभी जानते हो ना, फूल गोभी जो अभी के समय में अब खाना शुरू होगा, ठीक है, फूल गोभी जो हम लोग खा रहे हैं, कॉलीफ्लावर की बात कर रहा है, का विटल रोग जो है, जो विटल यानी कि जो लीफ वाला जो रोग होगा, किसकी कमी के कारण होता है, इसमें से इनमें से किसकी कमी के कारण जो है ये रोग आपको देखने को मिलता है, एक सेकेंड, ठीक है, इनमें से किसकी कमी के कारण देखने को मिलता है, आयरन, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, चलिए, आयरन, जस्ता, मॉलिब्डेनम या पोटासियम, ठीक है, इनमें से किसकी कमी के कारण देखने को मिलता है, खास करके फूल गोभी की बात किया गया है तब। फूल गोभी का विटल रोग किसकी कमी के कारण देखने को मिलेगा। अब देखो किसकी कमी जब बात कर रहा हो तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सर यहाँ आयरन होगा, जिंक होगा, या मॉलिब्डेनम होगा, या पोटासियम होगा। तो ध्यान रखना जब भी फूल गोभी की चर्चा हो रहा हो तो इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान इसको है, इसकी कमी की बात करें तो इसमें मॉलिब्डेनम जो है, अगर कमी हो गई तो फूल गोभी में बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगा। खास करके आपने देखा होगा इसकी जो पत्तियां हैं ना वो इस तरह से सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, जबकि पत्तियां फैली फैली सी होती है, वो क्या होगी, वो सिकुड़ने लगेगी। ये सब जो है इसकी बीमारियों में से लक्षण होता है बहुत सारा, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, हाँ देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो और फिर जवाब देना, ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है H1N1 स्वाइन फ्लू, बिल्कुल सबको फ्लू है तो वायरस से होगा, एक प्रकार की बीमारी है, बहुत अच्छा। स्प्रेड थ्रू व्हाट, मतलब ये किसके थ्रू फैलता है,
और इसका सवाल का जवाब जो है ना, आपको देखो इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको बताना है एक दो के थ्रू होगा, ठीक है, एक दो या दो तीन के थ्रू होगा, ठीक है, या एक दो या तीनों इसमें होंगे, ठीक है, या इसमें ऑल होगा, ठीक है, या इसमें केबल फोर होगा, क्या होगा, अब आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर देना है, ठीक है, बताइए। कहता है कंटामिनेटेड फूड कंटेनिंग पॉक, कंटामिनेटेड ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, और चौथा कहता है कंटामिनेटेड वाटर। किसके थ्रू जो है ये H1N1 वायरस फैलता है? सुअर का जो मांस युक्त दूषित भोजन है उससे, संक्रमित व्यक्ति का दूषित रक्त के कारण से, या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, या दूषित पानी के कारण से। अब इसमें देखो कि क्या होगा। पहला चीज, कोई भी वायरस होता है, अगर हम वायरस की बात करते हैं, कोई भी वायरस होता है ना, तो वायरस का फैलने का सीधा है कि भाई आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी ना किसी सहारे से आप आ रहे हो, और कॉन्टैक्ट में आओगे, कहने का मतलब अगर आप मांस सुअर का मांस युक्त दूषित भोजन खा रहे हो तो गारंटी तौर पे हो जाएगा। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति का जो दूषित रक्त है, ब्लड है, जैसे एड्स वगैरह है तो ब्लड से भी फैल जाता है, तो ये भी फैलेगा, और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आ जाते हो तो भी होगा, लेकिन पानी से जो है इसका लक्षण नहीं होगा। तो आंसर इसमें 1, 2 और 3 जो होगा राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। यहां पे आपको 1, 2 और 3 तीनों जो होगा इसका उत्तर लेके चलेंगे, ठीक है, 1, 2 और 3 जो है इसका उत्तर लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, ये तो पूरा S1 उसका हम पूरा इसमें डिटेल्स डाल दिया हूं, जो आपके PDF में पहुंच जाएगा, इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है कि मवेशियों से आदमियों में हस्तांतरित होने वाला रोग कौन सा होता है? कैटल डिजीज ट्रांसफर्ड टू अ मैन, कैटल डिजीज ट्रांसफर्ड टू अ मैन इज व्हाट? एंथ्रेक्स है, दूसरा जिसे हम रिंडर पेस्ट कहते हैं ये है, या फुट रॉट है ना, या आपका डायरिया जिसे आप अतिसार कहते हो। ऐसी कौन सी बीमारी है जो मवेशी से आदमियों में हस्तांतरित होती है, यानी कि पहले ये जानवर को होता है और फिर जाकर मनुष्य में भी ये आ जाती है, तो ऐसी क्या होगा, ऐसी कौन सी इसमें बीमारी है? क्या ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एंथ्रेक्स है, रिंडर पेस्ट है, फुट रॉट है, या अतिसार है, इनमें से क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो आपको 2-3 चीज जो है आपको देखने को इसमें मिल सकता है। आप कहोगे सर क्या क्या बीमारियां, तो देखो रिंडरपुट फूट पेस्ट ये जो है ये सब नहीं आती है जानवरों से, ठीक है, लेकिन एंथ्रेक्स जो बीमारी है ये आपकी आ जाती है। एंथ्रेक्स बीमारी की बात करें तो ये ए जो होगा बिल्कुल सही है, ये एंथ्रेक्स बीमारी। अब कहोगे एंथ्रेक्स बीमारी है क्या, तो उसका डिटेल्स भी मैंने लगभग इसमें डाल दिया है, अगर नहीं होगा तो फिर हम दोबारा इसमें देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। आइए चलो एंथ्रेक्स के बाद अगर बात कर लिया जाए, देख लो एंथ्रेक्स जो है एक प्रकार से संक्रमण के कारण, और खास करके जो प्लीहा है, प्लीहा में भी क्या इसको कहते हैं स्पेलोनोमेगाली, ठीक है, का व्यापक इजाफा होने के कारण इस बीमारी को प्लीहा ज्वार, यानी जो हमारा स्प्लीन है उसमें बुखार की बात करते हैं के रूप में भी जाना जाता है। किसे? तो एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वार, यानी कि जो आपका फीवर है खास करके किसमें, स्प्लीन में जब चर्चा किया जाए तो उसमें कहा जाता है। और यह बीमारी बैसिलस एंथ्रिक्स नामक बैक्टीरिया से होता है, यानी एंथ्रिक्स जो है होने वाली बीमारियों में, खास करके क्या कहेंगे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में से ये एक है। और ये शरीर के तापमान को 104 डिग्री से लेकर 108 डिग्री तक के सेल्सियस तक ये बढ़ा सकता है। सोचो इतना खतरनाक बीमारी, मतलब टेम्परेचर अगर आपका इतना शरीर का बढ़ जाए बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। साथ ही साथ पशु खाने से इनकार करते हैं और सूजन जो है इसमें पशु में हो जाता है। पशु बेहद उदास और व्यथित जो है आपको देखने को मिलता है। कभी कभी गाय भैंस में देखेंगे कि बहुत ज्यादा उसका शरीर जो है, खास करके गाय भैंस की अगर आप देखें तो कान पकड़ के उसके टेम्परेचर को देखा जाता है, कान पकड़ के फीवर है या नहीं है, तो ये सब आपने देखा भी होगा, है ना, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, पशु जो होता है बेहद उदास और व्यथित होगा जिसमें, और अत्यधिक दम फूलने के कारण ऑक्सीजन की कमी से मुंह से सांस लेना जो है वो पड़ता है, क्योंकि दम फूलेगा तो मुंह से सांस जो होगा लिया जाता है। देखोगे अब गाय भैंस में ये सारी चीजें होगा, ठीक है। अगर अगर आपने इलाज नहीं करवाया ना तो 48 घंटे के अंदर जो पशु है या जो आपकी मवेशियां हैं उसकी मृत्यु तक जो है एंथ्रेक्स नामक बीमारी में आपसे जो है वो हो सकता है उसकी मृत्यु भी, इतना ज्यादा खतरनाक ये बीमारी होता है, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा।
तो ये सवाल था और जिसका मैंने थोड़ा सा सोचा कि भाई इस पे जानकारी भी आपको जरूरत था, इसको जानकारी लेना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन पर, जवाब देना है। इसमें भी आपको ऑप्शन से जवाब देना है और ऑप्शन में आपको कहता हूं कि आप डायरेक्ट ही विदाउट ऑप्शन नहीं, आप इसमें से देखेंगे कि ए है, बी है, सी है, डी है या ए बी डी है, ये खुद ही आपको चूज करना है। मैंने ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं, ये खुद ही चूज करना है। Which of the following cell organelles contains their own DNA? इनमें आपको cell organelles दे दिया है और बोला कि contain their own DNA, मतलब आ जाइए इसमें पहले questions को देख ले। इनमें से ऐसा कौन है जो इसके पास खुद का DNA पाया जाता है cell के organelles में? केवल A है, B है, C है, D है, किस किस में होगा ये आपको बताना है, ठीक है? क्या प्लास्टिड में होता है या माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, वैक्यूल्स में होता है? अब आपको बताना है, इसी में से चूज करना है किस किस में पाया जाता है। ए बी सी, ए बी डी, बी डी, क्या होगा, किस किस में पाया जाएगा? केवल बी में पाया जाएगा, रॉयल कह रहे हैं केवल सर बी में पाया जाएगा। रॉयल बाबू केवल बी कैसे कह सकते हो? और याद होगा जब मैं कोशिका पढ़ा रहा था शुरुआती स्तर पर ही, तो सबसे पहले डीएनए कहाँ होता है? तो कहेंगे सर न्यूक्लियस में तो गारंटी तौर पे डीएनए और आरएनए होता है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बीपीएससी वगैरह लेवल का है, तो इसको मेंटेन करिए, है ना। दूसरा, आप जानते हैं सेल ऑर्गेनल्स में सर जहां पर श्वसन स्थल है, ठीक है, जिसे आप माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी सर डीएनए की मात्रा जो है वो पाई जाती है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। तीसरा, एनिमल सेल में तो वो पार्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में वो पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, यानी कि ये जो है प्लास्टिड, प्लास्टिड प्लास्टिड का ही पार्ट होता है, जिसे प्लास्टिड भी तीन प्रकार का है, जिसमें हमने कहा था क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, तो हम कहते हैं कि हरित लवक में ओन डीएनए जो है वो पाया जाता है, खास करके ये बात ध्यान रखना। तो तीन पार्ट तो अभी ही हो गया, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा माइट्रोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड, ये इन तीनों में जो है डीएनए पाया जाता है। तो आप देखें प्लास्टिड, माइट्रोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ए बी सी जो है तीनों में डीएनए की मात्रा पाई जाती है, हालांकि वैक्यूल्स में डीएनए नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो तीनों इसके उत्तर होंगे, ए बी सी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो ऐसे सवाल घुमा फिरा के आपको कभी कभी जो बीपीएससी हो या बिहार एसएससी सीजीएल भी अभी आने वाला है तो आपसे पूछा जा सकता है, इसका ख्याल रखा कीजिए और फिर इसका जवाब दीजिए। ये तो हो ही चुका है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अगले सवाल का है और इसमें भी आपको चूज करके बताना है कि पहला सही है, दूसरा गलत है। ऐसे ये नहीं कि हम ऑप्शंस दिए हैं, कोई ऑप्शंस नहीं दिए हैं, हमने केवल स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कि हाँ सर स्टेटमेंट ए जो है वो सही है, बी गलत है या क्या है, वो आपको विदाउट ऑप्शंस आपको बताने हैं, ठीक है, विदाउट ऑप्शंस जो है आपको बताना है। चलिए बताइएगा क्या बनेगा इसका उत्तर। क्वेश्चन कहते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस स्टेटमेंट को पढ़िए और राइट आंसर जो होगा इसको आपको चूज करना है। क्या कहता है? दो बोला, एक कथन है, अभिकथन है और दूसरा तर्क है। एक रीजन दिया है, एसर्शन है और दूसरा रीजन है। कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, पहले आप इसको सोचिए। दूसरा तर्क क्या दिया है? बोला कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है वो तो है, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाइएगा मुझे लगता है। और कह रहे हैं कि सर दोनों सही है या दोनों गलत है, इसमें एक गलत दूसरा सही होगा, है ना, और कौन गलत है कौन सही है ये भी आपको बताना है। सदिश राशि है, अच्छा क्लियर हुए आप सभी लोग, पहले सही हैं, पहले अच्छे से समझ लिए क्वेश्चन को, तब मैं इस पर आप बोलोगे कि हाँ सर अब आप बताइए, तब ही मैं बताऊंगा। क्योंकि इस तरह के सवाल में बहुत आसान से सवाल है, लेकिन बस ऑप्शन के साथ आपको पेचीदा बनाया गया है इस क्वेश्चन को। आप लोग कह दोगे कि हाँ सर अब रेडी हैं, केवल परिमाण होता है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अच्छा अब हम बताएं। चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं। देखो जब करंट की बात करते हो ना, तो सबसे पहले समझ लेना करंट में जो है दोनों चीज होती है। कहो कर सर क्या, तो मैग्नीट्यूड भी होती है, मतलब परिमाण भी होता है, याद रखना। करंट की जब बात करते हैं तो करंट में परिमाण पाया जाता है,
ठीक है। और दूसरा, करंट में डायरेक्शन होती है क्या? कहेंगे हाँ सर, करंट में डायरेक्शन भी होता है। कहोगे जब करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है तो ये तो सदिश राशि हुई, लेकिन नहीं, डायरेक्शन इसका फिक्स ही तो नहीं होता है। डायरेक्शन होता है लेकिन फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है किसके? इसमें एक पार्ट में फिक्स होता है, दूसरे पार्ट में इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये अल्टरनेट बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो करंट होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है आपका एसी और दूसरा होता है आपका डीसी। देखिए डीसी क्या होता है, सिंगल ये इस दिशा में चल दिया तो ये एक ही दिशा में चलता रहेगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है कि डायरेक्शन है। जब डीसी एसी की बात करिएगा तो ये अप डाउन जितना समय में जा रहा है ये इस तरीके से चलता है, मतलब अपना डायरेक्शन क्या करता है, एक निश्चित समय के बाद अपनी डायरेक्शन को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से एसी लेके जाता है। और इसी, हालांकि अगर केबल डीसी रहता तब हम इसे सदिश के फॉर्मेट में लेके चलते, लेकिन इसी एसी के कारण जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये अदिश राशि है, क्योंकि इसका दिशा निश्चित नहीं है, ये बदलता रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन में कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। इसका रीजन क्या हो गया, यहां पर इसका होना चाहिए ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी है। तो पहली बात तो खत्म हो गया। दूसरा क्या कहा, दूसरा कहा इसने कि हैविंग क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड, तो हमने कहा बिल्कुल मैग्नीट्यूड होगा, है ना भाई, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, कुछ भी है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ना होगा, गारंटी होगा ना, परिमाण तो सब में होता है, दिशा से बदलती है, परिमाण हर क्वांटिटी में होता है, तभी हम उसे मेजर कर पाएंगे, याद रखना। और दूसरा क्या है कि एज वेल एज डायरेक्शन, हाँ भैया डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, हाँ, बल्कि डायरेक्शन निश्चित नहीं है। तो आंसर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना, वन जो है वो रॉन्ग है और दूसरा क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट, और जो ऑप्शंस में रहता उसको आंसर दे देते। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आएंगे तो इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बस थोड़ा सा क्षणिक जो है ना पेशेंस रखेंगे, धैर्यता रखेंगे, पहली बार में ना हो तो दूसरी बार में इसे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बाबू ने एक सवाल अभी यहाँ पे आया कि पढ़ाई करो नहीं तो बर्तन धोना पड़ेगा बाद में, तुम क्या कर रहे हो अभी, ये भी मुझे बता देना कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना, बर्तन भी धो रहे हो गए, है ना, देख रहे हो ना कुकर सीटी भी लगा रहा है, तो सब कहानी तुम्हें करना ही पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ लो लिख लो, कहा है वो पढ़ लेंगे तो जॉब लेंगे, तुम नहीं खाना बनाओगे, तुम भी बनाओगे, समझे बातों को, सबको करना पड़ता है। चलो भाई क्या है, रीड द स्टेटमेंट गिवेन बिलो, अब चलो फिर स्टेटमेंट है और अपने आधार पर उत्तर देना, सेम क्वेश्चन था, अपने आधार पर जो है यहाँ पे उत्तर देना। मैं समझता हूँ तुम्हारी बातों को, तुम्हारी भावनाओं को, हर चीज को समझता हूँ, लेकिन क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, धोना भी पड़ेगा, ध्यान रखना, लड़के का जीवन है। मान चलो कि कल तुम एक अच्छे ऑफिसर बन रहे हो, कुछ दरोगा के पोस्ट पे चले गए, तुम्हारी नौकरी जो है ना वो जीवन तुम्हारी नौकरी में चली जाएगी, तुम कितने वर्ष में, जब तुम धोने लायक नहीं बचोगे ना, मतलब 55-60 की उम्र में होगी, रिटायरमेंट हो गए, जब धो नहीं पाओगे ना, तो वो सहारा उस समय बन सकते हैं, लेकिन उस समय तुम्हें, जब तक तुम जवान हो, जब तक तुम नौकरी में हो, तो स्टाफ नहीं है, खुद से ही धोना पड़ेगा, खुद से ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद से ही खाना पड़ेगा। और सीधा सा एक अर्थ हमेशा ध्यान में रखो, हमने जन्म लिया है, अगर शरीर की इंटरनल गतिविधियां हमारे सांसों से, हमें ही सांस लेनी पड़ती है, हमें ही चलनी पड़ती है, तो हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा, हम आश्रित नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा माइंड में सेट रखो, ठीक है। आश्रित नहीं होगे फिर आगे बढ़ते चलोगे, ठीक है रॉयल, गुड। आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवेन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। स्टोमैक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो हमारा पेट होता है वो HCl को उत्पादित करता है, जो भोजन को भंजन करता है, भंजन मतलब होगा टुकड़ों में तोड़ना, बांटना, ठीक है। रीजन कहता है कि डाइजेस्टिव जूस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, जो डाइजेस्टिव जूस है, खास करके जो पाचक रस है, जो इसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो कहता है कि पाचक रस को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, अब इसमें बताओ कि क्या बनेगा। बिल्कुल बात सही है, जब हमारी पेट में भोजन आती है, तो मैंने कई बार कहा है, ये अगर आपका पेट है, पेट में भोजन आती है, तो यहाँ गैस्ट्रिक जूस और HCl जो है वो होगा ही होगा, और HCl क्या है, तो एसिडिक है, तो ये अम्लीय है ही है। अच्छा एक पॉइंट बताओ, ये अम्लीय भोजन हमारे पेट के, यानी कि हमारे शरीर के किस हिस्से पर क्षारीय होती है, कौन से हिस्से पर क्षारीय होती है, आती है तो पेट में, तो ये अम्लीय हो जाती है क्योंकि HCl निकलती है, लेकिन
जब पचता है ना, पचने के क्रम में ये अम्लीय नहीं होना चाहिए। यानी कि पाचन की क्रिया आपकी कहाँ होती है? तो कहते हैं सर ये जो हमारा छोटा छोटा रस्सी जैसा है ना भाग, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, भोजन यहाँ पचता है, लेकिन यहाँ जो पचता है वो क्षारीय रूप में पचता है, बेसिक होता है। तो भाई भोजन और अगर ये अम्लीय में चला गया ना, तो तुम्हारा छोटी आंत भी नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये अम्लीय भोजन छोटी आंत में ना जाए, इसलिए इसे बीच में फिर से इसमें केमिकल मिलाया जाता है हमारे बॉडी के पार्ट्सों के द्वारा। और उन केमिकलों में खास करके देखोगे क्या होता है, बताइए कौन करता है? अम्लीय तो होगा, लेकिन छोटी आंत में हमारा क्षारीय भोजन होता है। क्या होता है? क्षारीय भोजन होता है। तो क्षारीय करता कौन है? यही तो सवाल पूछा कि क्षारीय कौन करता है, कौन ऐसा है जो इसमें क्षारीय करेगा। तो आपने सुना होगा कि सर यकृत में से ना बहुत सारी चीज निकलती है, उसी में बाइल जूस भी आपने सुना होगा। क्या सुना होगा? बाइल जूस कहते हैं, जिसे पीतरस के नाम से सुना होगा। और पीतरस का काम ही है इस तरह का काम कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। क्लियर है? चलो, तो ऐसे ऐसे सवाल तुम्हें आएंगे तो इसका जवाब भी ध्यान रखना। अगर अम्लीय भोजन चला गया ना, तो काम खत्म है तुम्हारा, फिर बच नहीं पाओगे, ध्यान रखना इसमें। ये तो हो ही चुका था, इस सवाल का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अच्छा, एक आध क्वेश्चन पॉलीमर वाला रेगुलर आजकल आ जा रहा है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोल रहा है नहीं है, है ना, अर्ध संश्लेषित बहुलक इनमें से नहीं है। पढ़ के ही ध्यान से तब जवाब देना, थोड़ा भी इधर उधर किए तो आप चले जाओगे, माफ करना मुझे, ठीक है। रेड ऑयल ऐसा ऐसा काहे काम कर रहे हो भाई? जीवन कितना अनमोल होता है उसको देखो, ये सब चीज क्या है? तुम इतने ज्यादा काहे हो गया है कि भाई ये तरीका ढूंढ रहे हो? बाबू तुम फोन कर लेना आज मुझे, हमसे बात कर लेना, तुम्हारे विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं, क्या हुआ, मन उब गया धरती से? अरे ये अनमोल रत्न तुम्हें पता है ना, अपने ग्रंथों में कहा गया है कि 184,000 योनियों में से एक बार जन्म होता है, उसे भी तुम बर्बाद करना चाहते हो? ये तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा जीवन है कहाँ? जन्म देने वाले से जाके पूछना, ठीक है। बताओ क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, बी है। अच्छा देख बाबू, ध्यान से समझना, बोला कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। पहला बात, सेलुलोज है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेमी सिंथेटिक का मतलब पहले क्या होता है, देखो सेमी और फिर बोला सिंथेटिक, इसका मतलब मैंने रेगुलर में बता रहा हूं, अर्ध संश्लेषित मतलब इसमें क्या हो, आर्टिफिशियल भी हो, क्या कहेंगे इसमें कि आर्टिफिशियल भी हो, और इसके साथ क्या हो, नेचुरल हो। यानी कि नेचुरल में जब हम आर्टिफिशियल को मिलाते हैं, किसको, नेचुरल में जब हम आर्टिफिशियल को मिलाते हैं और उससे जो निर्मित पदार्थ है उसी को सेमी सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है। अब देखो, सेलुलोज हमारा नेचुरल है, उसमें नाइट्रेट हमारा क्या है, आर्टिफिशियल की बात करें कहेंगे ये तो हमारा है ही बहुलक, सेमी सिंथेटिक। दूसरा, सेलुलोज में एसीटेट मिलाते हैं, कहेंगे सर ये भी है। तीसरा देखो, वल्कनीकृत रबर, तो भैया रबर जो है इसमें भी तो सल्फर मिलाते हैं ना, वल्कनीकृत वल्कनाइजेशन में सल्फर मिलाते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सेमी सिंथेटिक है। लेकिन देखो यहां पर पॉली आइसोप्रीन और समवक्ष है, यानी सीस पॉली आइसोप्रीन, आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, और ये क्या है, प्राकृतिक है, ये सेमी सिंथेटिक कहां से होगा, आइसोप्रीन सीधा सा कहते, तो ऑप्शन से इसमें क्या बनेंगे, ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए, क्योंकि आइसोप्रीन नेचुरल है, सेमी की बात ही नहीं होगा इसमें, सिंथेटिक कुछ है ही नहीं। सीस पॉलीमराइजेशन की बात अगर कह दे इसमें, देखोगे समवक्ष पॉली आइसोप्रीन जो होगा इसका आंसर होगा, तो ए इज द राइट आंसर। वल्कनाइजेशन दे दिया है, लेकिन इसके पीछे का सल्फर आपको छोड़ दिया था, तो आपको यहां पर ये बात याद रखनी थी कि सल्फर जो होता है, सल्फर इसमें मिला हुआ होता है जो इसकी गुणवत्ता को और ज्यादा बनाती है, ठीक है, ध्यान रखना आंसर चौथा होगा। अच्छा चौथा कहते हैं ए होगा, ठीक है, आइए अगले सवालों की ओर चलें। तो ये तो पूरा क्लियर हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके होमवर्क के लिए मैं थोड़ा सा दे दूं, है ना, समय भी हो चुका है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चंस आपके एचडब्ल्यू के लिए है।
बढ़िया से एकदम। और ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा, जो जो करते हैं उसे जवाब भी जरूर मिलता है। ये प्रश्न जो है आपके HW के लिए है, बढ़िया से पढ़िएगा और फिर इसका ऑफलाइन कमेंट में जवाब दीजिएगा। हम अपनी क्लास कल भी रखते हैं, है ना, कल भी रखेंगे क्लास, और दीपावली के दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। धनतेरस है और भगवान करे आपको एकदम धन और धनाढ्य जो है, पूरे जो कुबेर महाराज का आशीर्वाद है आप सभी पर बना रहे और अच्छे से अपने जीवन में आप तरक्की भी करते रहेंगे। उम्मीद है आप मेरी बातों को अच्छे से समझे होंगे। इसकी जो PDF है, इस क्लास की PDF आपको प्रशांत सर टेक्स्ट बुक जो है ना वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सर्च कर लेंगे या इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा नाम से होगा प्रशांत सर PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, उसमें आप ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको इसकी क्लास की पूरी नोटिफिकेशन साथ ही साथ PDF आपको वहां पर मुहैया करा दिया जाता है। उम्मीद है कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, कोई संबंधित कुछ चीजें हो तो आप जरूर उसे बताएंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।